गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैक क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव एंड आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो अलिफ है, किसने और किससे कहा। फर्स्ट है, इस गुस्ताख को पकड़ लो और कल हमारे दरबार में पेश करो। ये किसने कहा, राजा ने। किससे कहा, सिपाही से। सेकेंड है, ए गुस्ताख, कल जब हम जा रहे थे तो तूने हमें झुककर आदाब क्यों नहीं किया। किसने कहा, राजा ने कहा और लकड़हारे से कहा। थर्ड है, हुजूर, इंसान का सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। लकड़हारे ने किससे कहा, राजा से। आगे है कि दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। फर्स्ट है, लकड़हारा अपने घर का खर्च किस तरह चलाता था। जवाब है, लकड़हारा अपने घर का खर्च लकड़ियाँ बेचकर चलाता था। सेकंड है, वो लकड़ियाँ बेचने कहाँ जाता था। जवाब है, वो लकड़ियाँ बेचने शहर जाता था। थर्ड है, शेर ने लकड़हारे के करीब जाकर क्या किया। शेर ने लकड़हारे के करीब जाकर अपना एक पाँव ऊपर उठाया, जिस पाँव में उसे कांटा चुभा था। आगे है, फोर है, लकड़हारे के शहर के करीब का राजा कैसा था। जवाब है, लकड़हारे के शहर के करीब का राजा बहुत जालिम था। पांचवा है, राजा का क्या हुक्म था। जवाब, राजा का हुक्म यह था कि वो कहीं से गुजरे तो रास्ते में सभी लोग हाथ बांधकर खड़े हो जाएं और उसे अदब करें। राजा का क्या अंजाम हुआ। राजा का अंजाम बहुत बुरा हुआ और उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ खाली जगह है, इन अल्फाजों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल कीजिए। फर्स्ट, किसी गांव में, खाली जगह में क्या भराएगा, गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो रोज़ाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर जाकर उनको बेच आता। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते वो अपने घर का खर्च चलाता था। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी मैं अभी करवाई हूँ, प्लीज़ उसे कॉपी में राइट डाउन कीजिए और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे बुक में ही प्रॉपर फिल कीजिए। एंड क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव सब प्रॉपर लर्न भी कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 6 रीड करेंगे। थैंक यू।